दोस्तों, मैं अपने इस वीडियो में आप सभी के समक्ष कुछ ऐसे विचार रखने जा रहा हूं जो उम्मीद करता हूं कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनके जीवन को प्रेरणा और उत्साह से भर देंगे कि संघर्ष के पथ पर चलने से श्री राम के भक्त कभी डरते नहीं। संघर्ष के पथ पर चलने से श्री राम भक्त कभी डरते नहीं। जीवन में हारते वही हैं जो डट के कभी लड़ते नहीं। संघर्ष के पथ पर जो धैर्य नहीं खोते हैं, संघर्ष के पथ पर जो धैर्य नहीं खोते हैं, इतिहास गवाह है, जीवन में वही लोग कामयाब होते हैं। फलक के आसमां को भी जमीन पर झुकाया जा सकता है, फलक के आसमां को भी जमीन पर झुकाया जा सकता है। आत्मविश्वास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिससे हार को भी हराया जा सकता है। जुनून अगर हो कामयाबी का तो मुश्किलों की क्या औकात है? जुनून अगर हो कामयाबी का तो मुश्किलों की क्या औकात है? कुछ कर गुजरने की हसरत है जिनमें, ईश्वर भी उन्हीं के साथ है। दोस्तों, किसी भी माहौल में खुद को असहाय, बेबस या निर्बल समझना अपने आप में बहुत बड़ी कमजोरी है। किसी भी माहौल में खुद को बेबस, असहाय या निर्बल समझना अपने आप में बहुत बड़ी कमजोरी है। जीवन में हारता वही है जिसने जीतने की उम्मीद छोड़ी है, जो हारने के बाद भी बिना टूटे अपनी हार पर मुस्कुरा सकता है। जो हारने के बाद भी बिना टूटे अपनी हार पर मुस्कुरा सकता है। ध्यान दीजिए देवियों और सज्जनों, उसे जीवन में कोई नहीं हरा सकता है। क्या लाया था संग तू अपने, क्यों कुछ खोने पर रोता है? क्या लाया था संग तू अपने, क्यों कुछ खोने पर रोता है? कामयाब होने वाला भले ही खुश न रहे, कामयाब होने वाला भले ही खुश न रहे, लेकिन खुश रहने वाला हमेशा कामयाब होता है। हारिए मत अपना हौसला कि यह आपके इम्तिहान की घड़ी है। हारिए मत अपना हौसला कि यह आपके इम्तिहान की घड़ी है। चुटकियों में बीत जाएगी ये काली अंधेरी रात, उस पार नई सुबह खुशियों की सौगात लिए आपकी राहों में खड़ी है। दोस्तों, खुश रहकर अपनी सारी चिंताओं को दूर कीजिए। खुश रहकर अपनी सारी चिंताओं को दूर कीजिए। यदि आपको पसंद आए ये वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम।